मैं गानी का रहने वाला हूँ, ब्लॉक मनकोट में आता हूँ। और बात यह है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-15 दिन मैं घूमता रहा, लेकिन उधर जब देखा तो ऐसे ही कोई पूछने वाला नहीं था उधर। तो जब मैंने फाइल दी तो मेरे से फाइल दिया, उसके बाद लिखा वगैरह, फिर मेरे को बोलने लगे कि क्या नाम है, इसके पैसे लगेंगे। मैंने बोला कितने पैसे लगेंगे, बोलने लगे 1,000 रुपया लगेगा आपको डोमिसाइल बनाने का। मैंने 1,000 रुपया दिया है, ये सर्टिफिकेट सामने है, ये बनवा के उधर से लाई है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिश्वत चल रही है, इतनी रिश्वत चल रही है कि हद से ज़्यादा। आगे कई एजेंट रखे हुए हैं जो पैसे ले लेके बस लोगों की फाइलें देते हैं, उधर एक साइन करवाने का कम से कम 500 लेते हैं। ये दावा कर रही है कि हम करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं। जब से ये मनकोट में ये तहसील बनी है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। अकर हुसैन नाम का एक क्लर्क है, मैंने सीधे फाइल उनके हाथ में जाके दी तो वो मेरे को बोलने लगे जी जाओ इनको मुका के आओ, दूसरी जगह लेके गए। मेरे को बोलने लगे कि पैसे दे दो भाई। मैंने बोला किस चीज़ के पैसे, बोलने लगे ये आपने डोमिसाइल के लिए फाइलें दी है ना तो इसके पैसे लगेंगे। तो मैंने बोला जी कितने पैसे लगेंगे, आप दो तो सही। मैंने बोला कितने पैसे लगेंगे, तो फिर वो बोलने लगे, मैंने 500 दिया। बोलने लगे नहीं 500 से काम नहीं चलने वाला है, तो अभी 500 और दो, मुझे 1,000 रुपये लगते हैं जी। 1,000 रुपया मैंने दिया। तो फिर आज जब मैं गया तो बोलने लगे आज अभी साइन नहीं हुआ है, 10 मिनट बाद आना। फिर मैं आधे घंटे बाद गया, फिर बोलने लगे कि थोड़ी देर बाद रुक जाओ, फिर मैं अभी दर्ज करता हूँ देता हूँ। तो फिर जब मैंने ये जब सर्टिफिकेट लिया तो तब बोलने लगे पैसे। मैंने बोला वही टेबल पे, तो बोलने लगे पैसे। मैंने बोला सर पैसे तो कल मैंने 2-4 दिन पहले मैंने जब आपको फाइल दी थी मैंने पैसे दे दिए थे। तो बोलने लगे नहीं जी और पैसे दे दो। फिर बोलने मैंने बोला पैसे तो पहले दिए हैं, अब मैं गरीब आदमी हूँ कहाँ से पैसे दूंगा। तो बोलने लगे जी 100 रुपया तो दे के जा। फिर मैं अभी 100 रुपया और दे के आया हूँ, मेरे से जाकर हुसैन क्लर्क है एक वहाँ पे, उसने लिया है। और रसीद वगैरह नहीं दिया कि मैं ये बोलूँ कि मुझे रसीद दी है, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी या किसी में जमा करवाएंगे या कुछ करेंगे, कोई रसीद कुछ नहीं दिया हुआ है। बाकी मैं जाली नहीं हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ तो रेसिडेंटल यहीं का हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट नकल वगैरह जो भी थी वो मैंने पूरा लगाया था। अब मुझे पहाड़ी सर्टिफिकेट बनानी है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा और मैं पहाड़ी सर्टिफिकेट बनाऊंगा। इतने गरीब आदमी है, यहाँ पे रो रहे हैं लोग मनकोट में, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं सब करप्ट हैं, सब पैसे लेके काम करने वाले हैं। इस हिसाब से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम गरीब लोगों को कुछ इंसाफ दिलवाया जाए। कहाँ से पैसे, घर में भेड़ बकरियां बेच के हम लोग आके यहाँ पे पैसे देते हैं। अब स्कूल में मास्टर मांग रहे हैं, डोमिसाइल मांग रहे हैं, एसटी मांग रहे हैं, पहाड़ी मांग रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट। तो जो भी सर्टिफिकेट बनाने आते हैं किसी का 2,000, 5,000, 3,000, 8,000 ऐसे दे रहे हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। सबको मैंने सबको बोला कि ये करप्शन हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार बोल रही है कि हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, मेंढर में और मनकोट में कहाँ पे करप्शन ख़त्म है। जितने भी सरकारी दफातर हैं जहाँ साइन करने के लिए जाना पड़ता है, साइन एक करवाने के लिए जाओ तो करप्शन पैसे मांगते हैं, 500 रुपया लगेगा साइन का। तो क्या कहते हैं, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे अफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त